गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और सुबह सुबह हो गया है, थोड़ा सा क्लेश वो चलता रहता है परिवार में। जब कोई फंक्शन होता है तो छोटी मोटी चलती रहती है। जैसे भी है, खैर अम्मा कुछ बातें बताने आई है। गुड मॉर्निंग कहेगी अम्मा, देखो तो सही। बोल दे गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो गाइज अब आइए नहाने की बारी। बट यहाँ पे गीजर नहीं होते तो हम लोग गैस पे पानी गरम गरम के नहा रहे हैं। तो शहर को नहला दिया मैंने, साहिर को, बच्चे बैठे हैं छत पे। और यहाँ पे फातिमा आंटी कहाँ है? फातिमा आंटी बना रही है बच्चों का नाश्ता। मैं जाके छत पे उन दोनों को खिलाऊंगी, उसके बाद फिर मुझे खुद नहाना है। साजिद रेडी होंगे, सब एक एक करके नहाएंगे क्योंकि बाथरूम एक है और नहाने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो भाई मैं गाँव में बस यही मैनेज कर पाई। बच्चों को अंडा पराठा खिलाया जाएगा क्योंकि लंच के लिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो लंच होगा बाद में। हाय गाइस, सेरा क्या कर रहे हो? हाय रूबी, हाय फरा। तो धूप निकल आई है, इधर हमारी गाड़ी की सफाई चल रही है। ये देखो उधर सारे बैठे हुए हैं बड़े बड़े लोग, और इधर मैं बैठी हूँ। मैं साजिद को कह रही हूँ यार गांव आके तो तू मुझे अपने धोरे न लगा रहा। अम्मा हाँ। की भाषा में बोल तो रही। कल है मेन अकीका, और आज का जो फंक्शन है शाम को थोड़ा सा खाने वाने का, उसका टेंट लगेगा यहाँ अभी सारे का सारा। तो यहाँ आज भी हमने पूरे परिवार को रात को डिनर पे बुलाया है। बिल्कुल, यहाँ आके भूख ज्यादा नहीं लगती है तुम लोगों को? पकौड़े, अंडे, अब बिरयानी, क्या बात है। डिस्कशन चल रहा है बड़े अब्बा से, डीप डिस्कशन। अम्मी यहाँ आके भूख ज्यादा नहीं लगती है लोगों को? एक देर बनेगी, दो बनेगी, फुल मशवरा चल रहा है सबका कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। आज सब लोग आ रहे हैं खाना खाने। मेरा साहिर कहाँ गया? साहिर इसे कुछ काम नहीं है पूरे टाइम, कभी गाड़ी में कभी ई रिक्शे में लेके अपनी मम्मी को घूमेगा। बोलो बाय बाय। बोलो डोंट डिस्टर्ब। चलिए भैया सामान चेंज होने जा रहा है, मार्केट तू कहाँ जा रहा है? बाय। तो गाइस फाइनली पानी मिल गया है, मैं हो गई हूँ रेडी, और अब आपको मिलाती हूँ। ये है अफजाल जी। हाय कहिए। हेलो। ये साजिद के छोटे वाले ताऊ के बेटे हैं, तो आप इनको भी फॉलो कर सकते हो। बताओ अपने चैनल का नाम। हमारे चैनल का नाम है अमरोहा वाले व्लॉग। इंस्टा पे भी है, यूट्यूब पे भी है, तो अमरोहा वाले सब फॉलो कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी अमरोहा से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं और बहुत ही ज़्यादा काम कर रहे हैं अकीके का। सब्जी सामान सब लेने की ड्यूटी इन लोगों की है, तो ये लोग सब आज स्कूटी पे जा रहे हैं और सामान की खरीदारी कर रहे हैं। सारे बच्चे काम कर रहे हैं और साजिद बस बैठ के पंचायत कर रहे हैं, सुबह से नहाए भी नहीं है। क्या कहना चाहते हैं आप इस बारे में? हम हैं इसलिए वो बैठे। ओहो, बोले बोले भाई बोले अपने भैया के। हेलो, हाय। ये देखो फुल ऑन पंचायत चल रही है साजिद की पापा के साथ, काम कुछ नहीं कर रहे हैं। कोई काम नहीं है इन्हें लड़काबाजी करने के अलावा। गांव में स्कूटियों में घुमा लो, देखो आ गए चारों के चारों। क्या बात है, कुछ काम वाम है नहीं है? हाँ बस यही काम है। हाँ शताब टीवी काम कर, काम ही कर रहे हैं। ये काम है स्कूटियों पे घूमना, मटर खरीद के ले आए, बहुत बड़ा काम है। वाओ, मुझे भी चलानी है स्कूटी। हम जा रहे हैं मार्केट, मुझे भी चलानी है। तो आज हमारे पूरे मोहल्ले का लंच है, दस्तरखान बिछ चुके हैं, अब सब लोग खाएंगे खाना। क्या खा रही हो शहर? हाँ बेटे उड़द चावल। तो ये वेन्यू पे आ गए हम, देखो सारा सामान आ रहा है, खाने वाने की तैयारी चल रही है, कल सारे फंक्शन होंगे इधर। वेज में क्या क्या बन रहा है भैया? क्या क्या बना रहे हो वेज में? उड़द छोला और मिक्स वेज। और मीठे में? मीठे में रसगुल्ला हलवा। रसगुल्ला हलवा बहुत बढ़िया। तो ये हमारे गांव में ही एक रिजॉर्ट मतलब बैंक्वेट बना हुआ है काफ़ी अच्छा सा, बिल्कुल। और ये देखो हर जगह तेरी बच्चों वाली हरकतें शुरू हो जाती हैं, गाड़ी खींचने का बहुत शौक है इसे। मटर छिली छिलाई वाली नहीं मंगाई नहीं थी क्या? अरे लिखो यार, हमारा तो लिखो यार है। अच्छा छिली हुई चाहिए थी। हाँ। अबे अफजाल ये छिली हुई मटर मांग रहे थे तुम, जो है छिलवाने बिठा दिया तुमने इन्हें यार। ये कह रहे हैं छील के दो मटर। ये देखो लकड़ियाँ उतर रही हैं, तो सारा खाना लकड़ी पे बनेगा। और ये हमारे गुलफाम भाई साहब पूरे गांव की लकड़ियों की जरूरत ये पूरी करते हैं, जिसको भी लकड़ी चाहिए होती है यही प्रोवाइड करते हैं लकड़ी। कौन सी लकड़ी है? आम की? आम की, आम की। चिता में भी तो ये कह रहे हैं इससे खाने में मिठास आती है, इस लकड़ी से मिठास होती है आम में। लकड़ी तो जलेगी, जलने से क्या मिठास क्या करो। हाँ पा धुआं फ्लेवर
तो धुआं खाने में थोड़ी जाएगा, खाने में जाता है ना, तंदूर में ही तो जाता है। अरे लॉजिक है, लॉजिक है, लॉजिक है, बता दो। रोटी का हम समझ सकते हैं, ऑडियंस से पूछ ले लॉजिक है कि नहीं। के अंदर कौन सा धुआं जाता है पता नहीं, जाएगा भाई देखो, इन्हें ना पता कुछ भी, ये बालक है। इधर भी लग गया कुछ, शाम का खाना यहाँ है आज लोगों का, तो इधर भी टेंट लग गया है। ये देखो, ये देखो, ये सो रहा था अकेला, तो इसके पास कोई था नहीं, उठ के रो रहा है। अब मैं आया हूँ तो नाराज होके लेट गया उधर। क्या हो गया भाई, क्यों नाराज क्यों हो गया, हाँ गुस्सा हो गया, हो मुँह छुपाओगे ऐसे करोगे, सो रहे हो, सो जाओ चलो। देखो ये डिप्टी साहब आए हैं अब चेकिंग करने के लिए। हाँ जी, हमारी चेकिंग से तुम्हें इत्मीनान नहीं था, खुद करोगी, देख लो इधर रसगुल्ले बन रहे हैं, देखो चलो, ये बन रहे हैं रसगुल्ले, हाँ गुलाब जामुन, गुलाब जामुन, गुलाब जामुन, बच्चों की चरचराहट। हाँ जी साहिर, हम लोग क्या कर रहे हैं, बीमार हो गए, और खेलो और खेलो, ठंड में पापा का वेट कर रहे हैं, हम लोग कार में पापा का वेट कर रहे हैं, फिर हमको मार्केट जाना है कुछ सामान लाने, रात को बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं, तो सबके डिनर के लिए कुछ ना कुछ हमको तैयारियां करनी है, और कल है मेरे बाबा का अकीका, मेरी जान। चलो हम चलते हैं मार्केट, और कुछ जो भी सामान खरीदना है वो खरीदते हैं, लेट्स गो। ये क्या हो रहा है शहर, गाइस दिवाली आ गई है, फुलझड़ियां जल रही है, क्या कर रही हो, अच्छा लो जलाओ, कोई सॉन्ग भी तो गा लो, दिवाली आए, दिवाली आए। हाँ फरा जी बताइए, भाभी क्यों कर रही हैं, हाय हाय, लोग ही लोग, कोई लोगों की कमी नहीं है, पूरा पूरा परिवार हमारा 100 लोगों का है, जहाँ कैमरा घुमा वहीं लोग। देख वेख लग चुकी है भाई, बिरयानी बनाई जा रही है, ये देखो एक आदमी है बस, ये 100-150 लोगों का खाना बना देंगे। तो शिल्पा को तैयार होना था तो हमने करवाया है रिंग लाइट का इंतजाम, मतलब शादी हुए कितने साल हो गए, 2 बच्चे हो गए मेरे, पर जब भी मैं इस गांव में रेडी होती हूँ ना, वॉश बेसिन के नीचे टॉर्च लाइट लगा के रेडी होती हूँ, तो फर्स्ट टाइम मुझे फुल मेकअप फील आ रही है, क्योंकि कोई बात नहीं, अब हम यहाँ रहते नहीं थे, अब हम आते जाते रहते हैं, तो हम ये घर करवा देंगे पूरा रेनोवेट बढ़िया तरीके से, मुझे बहुत मजा आ रहा है रहने में, आई लाइक द प्लेस नाउ, वेरी गुड वेरी गुड। हमारी खाने की देगे हो चुकी है तैयार, ये देखो 2 बिरयानी निकल गई है इधर, तुम क्या चाय पी रही हो, मुझे पिलाओ थोड़ी सी चाय, अभी तो पकड़ाई किसी ने, पूरे गांव में हर्ष और उल्लास का माहौल, नीले रंग का टेंट भी है, हाँ आगे सब आगे, कोई घर तो ना है, सब आगे सब आगे, ये देखो सारे सारी फौज लेके हम चाय पीने आ गए, अपनी सारे लौंडे को चाय पीनी थी, चाय पीनी थी चाय, और ये रात तक खुलती है, अमरोहा में चाय मिलती है, इन्होंने बताया। सो गाइस बज गए हैं रात के कुछ 2, मेरी आवाज बैठ गई है, बहुत लेट काम निपटा, शहर सो गई है, साहिर सो गया है, अम्मी सब सो गए हैं, और साजिद अभी भी नहीं आए हैं, वो बाहर कुछ इंतजाम देख रहे हैं, कल क्योंकि दोपहर में बच्चों के अकीके की दावत है, तो यस वो भी आएंगे आधे पौन घंटे में, और फिर सोएंगे, और सिर्फ 4-5 घंटे बचे हैं, फिर सुबह उठेंगे और तैयारियां शुरू जो छोटी मोटी हैं, और फिर फंक्शन में लेके चलेंगे आपको। गुड मॉर्निंग गाइज, हो गई है सुबह, और साजिद ने ये हमारे लिए जलाई है आग, आज तो साजिद सबसे ज्यादा ठंड है, हकीके के दिन बहुत ज्यादा ठंड है आज, आज ठंड बहुत ज्यादा है, और शहर जी इधर आइए, शहर जी को हो गया है फीवर, भाई सच में बहुत ही ठंड है आज, मतलब कल तो धूप आई थी एंड वी वर ऑल रिलैक्स्ड, बट आज तैयार भी कैसे होंगे, 12 बजे फंक्शन है, ऑलरेडी 9 बज गए, सलाद कट रही है, ये तंदूर लग चुका है हमारा, रोटी की तैयारी, तो जो देख तैयार हो रही है वो उठ के इधर रखी जा रही है दम होने के लिए, सादा पकौड़ी खा रहा सुबह सुबह, मुझे भी दिया जरा, अरे खराब करोगे क्या, खराब हो जाएगा, हट जाओ, शिल्पा तो अभी तैयार हो रही है, उधर सारा खाना वाना बन चुका है, यार मैंने पहले शहर तैयार किया है, साहिर, फिर अम्मी का मेकअप किया है, फिर फरा का मेकअप किया है, अब मेरी बारी आई है, आवाज को क्या हो गया तेरी, बैठ गई ठंड लग गई,
और शायद तुम्हारे बच्चों के ऊपर चिल्ला चिल्ला के दूसरा वो जल्दी तैयार हो जाए फिर चलते हैं फटाफट। बस हो रही हो गई बेगम तैयार हमारी जा रहे हैं हम वेन्यू पे जल्दी चलो चलो जी लेट हो गए मैं गाड़ी आगे ले रहा हूँ फिर बैठना ठीक है। हाँ जी सो हमारे घर से वेन्यू सिर्फ 2 मिनट की दूरी पे है। कैसी लग रही हो मैं बताया नहीं तुमने बहुत ही खूबसूरत थैंक यू। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं सबसे वेन्यू पे। शिल्पा कहाँ है ये देखो मैं हर जगह ढूंढ रहा हूँ। हाय शहर हाउ आर यू आज क्या है सबको बता दो। तो गाइज ये है वेन्यू यहाँ पे सब लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। ये हैं साजिद के पापा यहाँ पे सब लोग खाएंगे बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है और पापा ने ऑलमोस्ट पूरे गांव की दावत करी है और मेरा साहिर भी नहीं मुझे मिल रहा। लेट्स सी पहले मैं यहाँ पे बन रहा है खाना राइट एंड खाने वाले आ गए हैं 1 बज रहे हैं अब मैं अंदर चल के आपको लेडीज पार्टी से भी मिलाती हूँ। ये देखें खाने में सबसे पहला नंबर किसका है तुम सब भूख होते हैं तो तुम सबसे पहले खाओगे हैं वाह। गर्मा गर्म रोटी कोरमा बिरयानी कैसा लग रहा है बाकी सारे लोग उधर चल रहे हैं आ रहे हैं और सब चारों तरफ से खाना बहुत जबरदस्त है तो भूख लग रही है तो खाना ना खाएं भाई। हाँ जी हो गया मेरी प्लेट सबसे पहले दिखाना तुम सैन ने खा लिया खिला रही हूँ और ये कहाँ है ओए मंकी तूने खाया खाना नहीं खाओगे ये देखो हम आपको बहुत ही पॉपुलर और बड़ी हसीन क्या क्या बोला मैंने शख्सियत से मिलवाते हमारे मामू और आदिल के पापा ये देखो दोनों हर टाइम इसे तो कार में बैठना है बस भीड़ बेकाबू हो चुकी है बेकाबू हो चुकी है स्टेज टूट जाएगी मुझे समझ आना बंद हो चुका है क्या हो रहा तो इतने फोटो खिंचवाने के लिए जबड़ा दर्द होता है जैसे शादी में जबड़ा दर्द होता है आस्ते 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 जो भी वितरण हो रहा है फटाफट स्टेज पे पब्लिक उमड़ गई थी अब वापिस आए बाहर स्वागत करते हैं ये बहन है हमारी सबसे बड़ी खानदान की ये देखो वाह 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 ये शहर ये तो मनी वाली माला होती है अच्छा शहर देख अब ये खुश हो बच्चे निमाल ने शिल्पा को पकड़ा हुआ है सबने फोटो खिंचवाने शहर हो गया आपका अकीका इधर तो देखो कैसा हुआ आओ शहर की फ्रेंड अच्छा मजा आया हाय बोलो जल्दी बोलो ये शहर की फ्रेंड्स हैं दोनों मजा आया बहुत अब चलें घर वापस दिल्ली चलो बाय 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 सारा हो गया निपट गया सबने खाना खा लिया सब निकल रहे हैं अपने अपने घर बाय 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 चलो सब निपट गया हमारे परिवार में टोटल कितने लड़के हैं बहुत सारे बहुत कम से कम 30 लौंडे हैं पूरी आर्मी है घर के हालात कुछ ऐसे हैं कैसा रहा अम्मी बचा हुआ खाना सब आया है और गांव में बटेगा सबको और ये मेरी पूंछ मेरा पीछा नहीं छोड़ता। तो गाइज अकीका बहुत अच्छे से हो गया थोड़ा बहुत खाना जो बचा है वो गांव में अम्मी सबको भेजेगी डिनर के लिए। मेरी आवाज़ जा चुकी है और ये था पूरे अकीके का ब्लॉग। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।